ऑपरेशन गंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि ये देश नहीं दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हो रहा था जहां बम धमाके, गोलियां, मिसाइल अटैक ये सब चल रहा था, और उसमें फंसे थे तो भारत के 21,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं, और किसी दूसरे देश की युद्ध की भूमि में से हजारों बच्चों को बगैर खरोंच लगे वापस निकाल लाना ये असंभव काम था। लेकिन इसको संभव करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कितना बारीकी से विदेश मंत्रालय ने काम किया और किस तरह से माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी साथ लगती जो सीमाएं, जो अन्य देश थे, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, इन सब में भेजा भी, और उन सभी मंत्रियों ने वहां पर जाकर स्थानीय अधिकारियों से टाई अप किया ताकि छात्र जब यूक्रेन की धरती से बाहर निकलकर आए तो उनको रिसीव करने के लिए माननीय मंत्री भी वहां पर हो। लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उस समय जो शानदार काम किया, जो फ्लाइट चलाने का था और एयर बबल करते हुए उसमें भी जिस तरह से कदम उठाए गए, अब ये अपने आप में अब हुए एक वर्ष हो गया तो शायद उसके बाद इतनी घटनाएं घट गई कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन IAF द्वारा 13 मिशन चलाए गए, 21,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को वापस लाया गया, और एक स्थिति तो एक जगह ऐसी बनी सुमी में जहां पर लोकल चुनौतियां भी कई गुना ज्यादा थी। उसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जो कदम उठाए वो बहुत सराहनीय भी, लेकिन वो संकट भी पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की जान के लिए अधिकारियों ने वहां तक जाने का काम भी किया। और यूक्रेन में जैसे मैंने कहा, नागरिक उड़ाने बंद होने के बाद विशेष फ्लाइट चलाने का काम भी किया, और ये कोविड के समय तो हुआ ही, कोविड के समय भी देखिए जिस तरह से दुनिया के कोने कोने से भारत के लोगों को वापस लाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए, वो अपने आप में एक चुनौती थी। तो दूसरा चुनौती इस समय भी ऑपरेशन गंगा का सफल इसलिए हो पाया क्योंकि माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की थी काम करने की, उसका भी एक यहां पर देखने को मिला। तो दोनों ही स्थितियों में, एक और कोविड में से भी हमें निकाल कर लाए, तो दूसरी ओर ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भारत के छात्र छात्राओं को वहां से बाहर निकाल कर लाए। इसमें 90 से ज्यादा विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई 17 दिनों में,